दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि शराब पीना कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं होती। इसके सेवन से हमारे शरीर में ढेरों बीमारियां घर कर जाती हैं, जिसका परिणाम या तो बेहद गंभीर या तो अति गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर भुगतना पड़ता है, या अति हो जाने पर अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ सकता है। आज हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि शराब पीने से लीवर की गंभीर बीमारियां होती हैं, किडनी के फेल होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, और तो और हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना भी किसी शराबी को एक मामूली व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है। मगर इन सभी चेतावनियों और जागरूकता भरी बातों से परे हटकर पीने वाले हमेशा नशे में धुत रहते हैं, दीन दुनिया की परवाह किए बगैर मदिरा के खुमार में डूबे रहते हैं। ऐसे ही लोगों की आंखें खोलने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक नामी ब्रांड ब्लेंडर स्प्राइट की फैक्ट्री में, जहां आप लाइव अपनी आंखों से इस शराब को बनता देखेंगे। यहां आप ये जानेंगे कि भला इस बेहद मशहूर स्कॉच विस्की को किस तरह तैयार किया जाता है, इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, और तो और आखिर किस तरह फैक्ट्रियों की नलियों से निकल कर ये जहर हम तक पहुँचता है। वेल, अगर आप भी हैं एक शराबी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोलकर रख सकती है। तो दोस्तों, स्पेशली बात करें अगर ब्लेंडर स्प्राइट की, तो ये एक इंडियन विस्की ब्रांड है जो आज से करीब 25 सालों पहले सन 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये ब्रांड ओरिजिनली एक फ्रेंच बेवरेज मैन्युफैक्चरर कंपनी पर्नॉड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और साथ ही यही कंपनी आज भी ब्लेंडर स्प्राइट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ऑफर करती है। अगर इस विस्की से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स पर फोकस करें तो ये रंग में गहरे भूरे यानी ब्राउन रंग की होती है। इसका टेस्ट भी प्रीमियम स्कॉच की ही तरह बेहद स्मूथ और स्मोकी है। वहीं इसमें मौजूद अल्कोहल कंटेंट की परसेंटेज ऑलमोस्ट 45% है, जो कि इंडिया के अल्कोहल नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करती है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं विस्की बनाने वाली एक्चुअल फैक्ट्री में, जहां आप विस्की मैन्युफैक्चरिंग के एक्चुअल प्रोसेस की जानकारी पाएंगे। तो दोस्तों, इस सफर का आगाज होता है ग्रेन्स यानी अनाज के इस ढेर से। ऑब्वियसली अब क्योंकि ये एक इंडियन विस्की है, इसलिए इसमें रेक्टिफाइड अल्कोहल वाले रॉ इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर कुछ खास मोटे अनाज जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मकई शामिल होता है। इन्हीं सब ग्रेन्स के एक एक्सोटिक ब्लेंड से इस विस्की का सल्यूशन रेडी किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत पहला स्टेप होता है इन ग्रेन्स की सोर्सिंग करना, जिसके अंतर्गत देश भर के विभिन्न खेतों से बेस्ट क्वालिटी का अनाज मंगाया जाता है, और फिर जब वो अनाज इन फैक्ट्रियों में पहुंच जाता है तो उसे पहली बार सोकिंग के एक राउंड से गुजारा जाता है। इसके तहत हमारा अनाज अगले 8 से 10 घंटों तक निरंतर डिस्टिल्ड वाटर से भरे टैंक में सोक होता रहता है। ऐसे करने से अनाज में नमी चढ़ जाती है और धीरे धीरे वो फूलने भी लगता है। ग्रेन ब्लोटिंग की इस प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए निश्चित अंतराल में ऐसा 2 से 3 बार किया जाता है, जिस कारण हमारे ये अनाज के दाने पूरी तरह से नम हो जाते हैं। अब बारी होती है इसे चारकोल स्मोक से एक्सपोज करने की। ऐसा करने से विस्की में एक स्मोकी फ्लेवर तो आता ही है, जो कि इसे पीने वालों को ढेर सारे बर्निंग नोट्स और टेस्ट ऑफर करता है। बहरहाल जब एक बार ये अनाज कोयलों का धुआं सोख लेता है तो फाइनली ये स्टेप भी खत्म होता है, और इसके बाद एक बिल्कुल नए और दूसरे चरण की शुरुआत होती है, जिसके तहत इस अनाज को एक बेहद बड़े ब्लेंडिंग टैंक में शिफ्ट किया जाता है। ये विशालकाय कॉपर टैंक मास्टन के नाम से भी जाने जाते हैं। यूं तो ये एक तीर से 2 निशाने लगाने में कारगर होते हैं, मगर इनिशियली इनसे एकमात्र काम निकालने की ही कोशिश की जाती है, और वो काम होता है ग्रेन्स का फर्मेंटेशन। इसके लिए अगेन ग्रेन्स का सामना डिस्टिल्ड वाटर की बौछार से होता है, मगर इस बार एक और नया इंग्रेडिएंट यीस्ट अपनी जगह ले लेता है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि
कि ये वाला ईस्ट दरअसल घरों में इस्तेमाल होने वाला खमीर होता है, जिसकी मदद से आटे के डो को फुलाकर उससे ब्रेड बनाई जाती है। मगर इस केस में ये ईस्ट भीगे हुए अनाज में मौजूद बैक्टीरिया को एक्टिव कर देता है, जिस कारण जल्द से जल्द ये अनाज सड़ना शुरू हो जाता है और सड़ते सड़ते ये इतना विघटित हो जाता है कि ये अपने सभी अर्क को इस पानी में छोड़ इसे पूरी तरह से अल्कोहलिक ब्लेंड में तब्दील कर देता है। ऐसा होने से हमारे पास अब कच्ची शराब तो बनकर तैयार होती है, मगर फिलहाल ये किसी जहर से कम नहीं होती है। न्यूज पर आए दिन जिन जहरीली शराब के सेवन की खबरों को हम देखते हैं, वो वास्तव में शराब के इसी रूप से संबंधित होती हैं। फिलहाल ये फर्मेंटेड अल्कोहल अनफिल्टर्ड रूप में होता है, जिसे हम वॉशपैक्स के नाम से भी जानते हैं। यही वॉशपैक्स इन नलियों के होते हुए जैकेटेड कैटल से गुजरते हैं, जहां इन्हें बॉइल कर इवेपोरेट किया जाता है, और फिर जब ये गर्मा कर भाप बनकर उड़ जाते हैं तो उस सारी भाप को समेट कर कंडेंस कर उससे स्पिरिट हासिल कर ली जाती है। शराब को शुद्ध से शुद्ध बनाने के लिए इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराया जाता है, जिसके अंत में हमारे पास विस्की का सबसे शुद्धतम रूप आ जाता है, जिन्हें की फर्दर बड़े ही जेंटली ओक वुड के बने इन बैरल्स में शिफ्ट किया जाता है। और ऐसा करने का मकसद होता है इस दारू को एजिंग प्रोसेस से गुजारना। दरअसल एजिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें स्पिरिट को अगले 5 से 10 सालों के लंबे वक्त तक सेफ एंड सिक्योर कंडीशंस में स्टोर किया जाता है, और फाइनली जब कई सालों की लंबी अवधि बीत जाती है तो इन्हें दोबारा से खोल पाइप्स की ओर बहा दिया जाता है, जहां से ये सीधा फैक्ट्रियों के भीतर एंट्री लेते हैं और इनका ये अल्कोहलिक सफर अपने अंत की ओर बढ़ चलता है। यानी कि अब ये एज्ड दारू बॉटलिंग सेक्शन में भरने के लिए रवाना कर दी जाती है, जहां पहुंच ऑटोमेटिकली इन फिलर्स की मदद से इनकी बॉटलिंग होती है और फिर पेटियों में भरकर इन्हें आपके नजदीकी ठेकों तक भेज दिया जाता है, जहां से शराबी इन्हें खरीद इनका लुत्फ लेते हैं। हालांकि ये तमाम अच्छी बातें इस फैक्ट को तो नहीं बदल सकती कि शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है। इसके सेवन से ढेरों बीमारियां तो होती ही हैं, साथ ही हमें इसकी बुरी लत भी लग जाती है, जिसे छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ब्लेंडर स्प्राइट विस्की की ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां आपने इस विस्की से जुड़ी सभी अहम जानकारियों के साथ ही लाइव ग्राफिक्स के माध्यम से इसे बनता हुआ भी देखा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो कि आई एम श्योर आपको आई ही होगी, तो ज्यादा सोचना क्या, अभी ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखते रहें, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो चलिए अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।